दिनिया चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। आशीष मिश्रा जी, वही आशीष मिश्रा जो लखीमपुर कांड में शामिल थे, जिन्हें काफी वक्त तक जेल में रखा गया और लेकिन अब उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया है। अब इस बात पर एक नया बवाल शुरू हो गया है क्योंकि एक पूर्व जज ने इस बारे में एक बहुत बड़ी टिप्पणी की और उनकी टिप्पणी के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी बेस की सरकार, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सवालों के घेरे में खड़ी होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा को किसानों पर गाड़ी चढ़ाने और उन्हें जान से मार देने के मामले में आरोपी बनाया गया था और इसमें सीबीआई जांच भी बिठाई गई थी। सीबीआई जांच में कहीं ना कहीं आशीष मिश्रा को आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद लगातार एक कोर्ट में ये मामला चल रहा था और उसके बाद उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। इसी के बीच एक पूर्व जज का इस बारे में कहना है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार को इस बारे में जांच कराने की जरूरत है, राज्य सरकार को आशीष मिश्रा के खिलाफ, आशीष जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, आशीष मिश्रा के खिलाफ एक आवेदन देने की जरूरत है, उनकी जमानत के खिलाफ एक आवेदन देने की जरूरत है। इसके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि जो एसआईटी की ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है। तो लगातार ये बातें देखी जा रही है कि आशीष मिश्रा अभी भी सवालों के घेरे में खड़े होते नजर आ रहे हैं। वहीं उनके पिता अजय मिश्रा केंद्र सरकार में मंत्री हैं और बीजेपी पर लगातार ये आरोप लगते रहे कि वो कहीं ना कहीं अपराधियों का संरक्षण कर रही है, अपराधियों को संरक्षित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या बीजेपी वाकई में ऐसा कर रही है? और अगर बीजेपी ऐसा कर रही है तो फिर जनता उन्हें सबक क्यों नहीं सिखाती? वही लखीमपुर जगह है जहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें हासिल हुई है। हमने देखा है उत्तर प्रदेश में कि किस तरह समाजवादी पार्टी, बसपा और इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी लगातार आशीष मिश्रा के मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरते रहे लेकिन बीजेपी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हमने देखा है कि किस तरह आशीष मिश्रा को लेकर के लगातार विपक्ष हमलावर रहा, लगातार राकेश टिकैत हमलावर रहे, लेकिन किसानों के मन में अभी भी बीजेपी के लिए वही जगह बनी हुई है। वहीं अगर देखा जाए जिस तरह से पूर्व जज की और एसआईटी की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि राज्य सरकार को एक आवेदन देकर जमानत को रद्द कराने की कोशिश की जानी चाहिए, तो क्या बीजेपी सरकार ऐसा करेगी या फिर केंद्र उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा करने की कोशिश करेगी? अगर सरकार ऐसा करती है तो केंद्र पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा, क्या नेतृत्व पर इसका असर देखने को मिलेगा और आशीष मिश्रा का जो खेल इस वक्त चल रहा है वो कितना बिगड़ सकता है, क्योंकि अभी वो फिलहाल जमानत पर बाहर है। लेकिन उत्तर प्रदेश चुनावों के बाद अब जिस तरह से देखा जाए तो जनता के मन में एक बीजेपी की छवि बन चुकी है, तो क्या अब जब उन्हें जेल भेजने की कोशिश की जाएगी, उन्हें जेल भेज दिया जाएगा, तब जनता के मन में इसकी क्या छवि बनेगी? या फिर लोकसभा चुनावों से पहले अगर कोई बड़ा फैसला इस मामले में आ जाता है तो बीजेपी अजय मिश्रा पर क्या कोई एक्शन ले सकती है? ऐसे तमाम बड़े सवाल अभी खड़े हो रहे हैं लेकिन इन सवालों के जवाब सिर्फ वक्त ही दे पाएगा। अभी देखना इस मामले में यह होगा कि क्या बीजेपी सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से इस पे क्या एक्शन लिया जाता है। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।